उड़ी मार ले देनी। हुआ आप हम सब जानते हैं, सुनहरे वादे, नए इरादे और उमंग के साथ कलवा की आवाम ने दिल खोल कर उन्हें वोट किया था। लेकिन इन 15 सालों में मौजूदा एमएलए ने आपको क्या दिया? तो मैं कहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात के अहले मुगरा ने 15 साल आपको अपना जाना और माना, इसलिए झोलियां भर भर के वोट आपको दिया। अगर अपना ही नहीं मानते तो यहाँ के एजुकेशन पे काम होता, यहाँ के हेल्थ पे काम होता, यहाँ की तालीम फरोख पाती। साहिब का उसमें शेयर है, तुम भी कमाओ और हमें भी फायदा पहुँचाओ। लेकिन अभी आवाम ने ठान लिया कि फायदा आवाम के लिए शोरूम तो खोल सकते हो, मगर इन गरीबों के लिए झोपड़े का इंतजाम नहीं कर सकते हो। अब हम सबके उम्मीद 15 साल से थक गए होंगे, अब आराम कीजिए। किस तरह पवार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दस तालियां बजाकर के इस्तेमाल करें दोस्तों, और जो दस तालियां बजाइए आप लोग। याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, ये टोरेंट के खिलाफ आप लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, ये टोरेंट के खिलाफ की लड़ाई है, ये कब्रिस्तान के खिलाफ की लड़ाई है, ये हॉकर्स की लड़ाई है। उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम उलमा हजरात शहर के, तमाम उलमा हजरात देखिए अजीत दादा पवार साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम उलमा आगे जाइए, देखिए उलमाओं को आगे जाने दे, उलमाओं को आगे जाने दे, मुलाकात करने दे। ये है अजीत दादा पवार साहब की मोहब्बत, ये सेक्युलरिज्म की मिसाल। अजीत दादा आगे बढ़ो, अजीत दादा आगे बढ़ो। देखिए उलमा हजरात, अजीत दादा पवार साहब टोरेंट के खिलाफ आई हुई आवाज है, ये मजलूमों की आवाज है, ये शहर में दुर्दशा बढ़ रहा है उसके खिलाफ ये लोग आए हुए हैं। इस शहर में हॉकर्स नहीं है, ट्रैफिक का हाल देख लीजिए। तो सिंगर से थाना में, तब वो डायरेक्ट टावर में रहने को गया था, और हमारे जो माँ बाप, हमारे जो पुरखों के लोग आए थे यहाँ पर थाना में, मुंबई में इमारत इंडिगल थी या वो चाली इंडिगल थी। जब हमारे बाल बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग को तोड़ने का काम ये जितेंद्र रावत के माध्यम से होता है। लेकिन वो कहीं से अगर पैसा इकट्ठा करके अगर रोजगार कमाने की बात करते हैं तो उसमें भी उसने अड़ंगा डालने का और अपना टक्कावारी लेने का काम किया। ये प्रभु रामचंद्र जी मांसाहारी आप
देख रहे हैं कि तमाम जिम्मेदारान सियासी कायदीन इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और करम अजीदा प्रदेश जाने के लिए मदद करते हैं, आप शेड्यूल फ्रंट के लिए मदद करते हैं, ओबीसी के लिए मदद करते हैं, आप ओपन कैटेगरी के लिए मदद करते हैं, आप सभी को मदद करते हैं, लेकिन हमारे माइनॉरिटी के लिए हम मदद आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं की। यह सुनने के बाद मैंने अपने माइनॉरिटी के बच्चों को, गरीब माइनॉरिटी के बच्चों को फॉरेन जाने के लिए उनकी ज्यादा उन्होंने स्टडी करनी चाहिए, अच्छे तरह से उन्होंने आगे जाना चाहिए। इसीलिए हर बच्चे के पीछे हर साल 40 लाख रुपए उसको प्रदेश जाने के लिए हमने शिष्यवृत्ति दी है। इसके लिए इस साल मैंने 10 करोड़ 80 लाख रुपए इतना निधि मैंने बजट में तरतूत किया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ, और भी बच्चे जाना चाहते हैं तो ये हम और भी जो अर्थसंकल्पीय संतुल है वो और भी बढ़ाने का हमारा इरादा है। मेरा इतना ही कहना है कि सभी बच्चों ने पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, गरीब बच्चों को मदद होनी चाहिए, और ऐसा काम हम सब कर रहे हैं। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के लिए मैंने 5180 करोड़ का रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे अल्पसंख्यक के विकास संबंध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकरण योजना के अनुदान, पहले वो अनुदान 2 लाख रुपए था, वो हमने बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया गया है। इसके लिए दिसंबर 23 में सरकारी निर्णय जारी किया गया है। महिला आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से 15 जिलों में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 2800 नए बचत समूह के गठन का निर्णय हमने लिया है। इन बचत समूह के जरिए महिलाओं को उद्यमिता और व्यवसायिकता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला बचत समूह के लिए कर्ज पर लगाई गई कठोर शर्तें हटा दी गई है। अब कर्ज के लिए बचत समूह को कोई जमानत नहीं देनी होगी। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत से समूह का पंजीकरण जरूर नहीं है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मदरसाओं को निर्बंध बिजली आपूर्ति और ऊर्जा माध्यम से बिजली व्यवस्था और बिजली माफी की योजना लागू की जा रही है। मैंने उसमें पहले प्रारंभिक परीक्षण के लिए अपना नासिक में जो मालेगांव है, नासिक में करोड़ का प्रावधान हमने किया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक के संबंधित विकास कार्य पूरे हो जा रहे हैं। 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे उनका विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताता हूँ, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा और कार्य क्षमता बढ़ाने पर हमने जोर दिया गया है। वक्फ कार्यालयों को संख्या बढ़ाने और विवादों के निपटारे के लिए समय सीमा तय की जा रही है। वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। यह सब हम करना चाहते हैं, हमने उसके बारे में डिसीजन लिया है। मैं आप सभी को बताता हूँ भाई और बहनों, पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उन्होंने कभी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं की, हमेशा खाली आपके वोट लिए लेकिन आपको मदद नहीं की। मैं आपको विनती करता हूँ, विधानसभा चुनाव का माहौल अभी पूरे महाराष्ट्र में गर्म हो चुका है। ऐसे में हमारी महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस को हर नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी ताकत से यह चुनाव में उतरे। जहाँ पार्टी मजबूत है वह जोर शोर से काम करे,
और जहां अधिक मेहनत की जरूरत है वहां पूरी ताकत झोंके 20 नवंबर को मतदान तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम करे। मैं हमारे बाकी भी महायुति के जो हमारे साथी हैं उनको भी वैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यह चुनाव जीतने के लिए जनसंपर्क करें, प्रचार करें, मेहनत करें। महायुति के हर अधिकृत उम्मीदवार को जिताने के लिए जिम्मेवारी हम सबकी है। मुमरा कड़वा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नजीब मुल्ला को भारी बहुमत से जिताना है। उनकी चुनाव चिन्ह घड़ी है 20 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर जाकर घड़ी के सामने का बटन दबाइए। घड़ी को वोट का मतलब है राज्य के समग्र विकास को वोट, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को समर्थन, किसानों की प्रगति, युवाओं के रोजगार और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य का समर्थन। नजीब मुल्ला को भारी मतों से जिताने की जिम्मेवारी हम सबकी है। मैं आपको वादा करता हूँ, आप सबको मालूम है मैं जब महाराष्ट्र में घूमता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, तब लोगों को बताता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं जब कोई वादा करता हूँ तो वो पूरा निभाता हूँ। मैं अभी हमारे चीफ मिनिस्टर या रैली लेने के लिए आए थे, उनकी भी मीटिंग हुई और उन्होंने बताया हम टोरंटो को हटाएंगे। मैं आपको बताता हूँ हम भी टोरंटो को हटाएंगे, ये मेरा वादा है। पहले बोलते वक्त हमारे नजीब मुल्ला ने कहा दादा मुझे सीएसआर की तरफ से भी मदद चाहिए। मैं जरूर सीएसआर के माध्यम से भी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो भी नजीब करना चाहता है, आप सबको साथ लेके जाना चाहता है, उसके लिए सीएसआर फंड भी ज्यादा से ज्यादा देने का ये भी मैं वादा करता हूँ। यहाँ फ्री मुमरा रख, फ्री मुमरा उसके लिए रिहैब सेंटर खोलने का अभी जब उसका स्पीच चालू था तब नजीब मुल्ला ने कहा ये नई पीढ़ी, नए युवा ये गलत रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इसीलिए अपने को ड्रग फ्री मुमरा करना है, रियाद सेंटर खोलना है, ये भी हम करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन ये सब वादा जब जब नजीब मुल्ला की घड़ी आप जिता के देंगे, उसको एमएलए करेंगे, तो ये सब मैं करने वाला हूँ, ये याद रखकर। दूसरा, आपके यहाँ ज्यादा पानी चाहिए, वो पानी का एमएलडी ज्यादा पानी देने का काम भी हम जरूर करेंगे, पूरे महाराष्ट्र में करते हैं तो यहाँ करना मुझे मुश्किल नहीं है। हॉस्पिटल के लिए हम गवर्नमेंट के तरफ से कुछ मदद यहाँ चाहिए, गवर्नमेंट का काम ही है कि लोगों का आरोग्य अच्छी तरह से रखने का, इसीलिए यहाँ के जो हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या कमतरता है उसके लिए भी मैं बजट में प्रावधान करूंगा और आपको फंड दूंगा। जब एकनाथ जी शिंदे जी ने, मैंने, हमारे बाकी साथियों ने तय किया, श्रीकांत शिंदे जी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने सब तय किया, हमारे आनंद परांजपे जी अभी सबने तय किया कि यहाँ नजीब को काम करने के लिए कुछ ना कुछ फंड देने चाहिए। तीन महीने में हमने 200 करोड़ रुपए का फंड दिया। आप सोचो 3 महीने में 200 करोड़, तो 5 साल में मैं आपको वादा करता हूं 5 साल में मिनिमम 3,000 करोड़ रुपए का फंड मैं मुमरा कड़वा के लिए दूंगा। आप अच्छी तरह से यहाँ की डेवलपमेंट करो, अच्छी तरह से काम कर लो, गलत बिल्कुल काम मत करना, ये भी अब मेरी आपको विनती है। यहाँ कब्रिस्तान ठीक ठाक करने के लिए 7 करोड़ रुपए हमने दिए हैं और भी कब्रिस्तान की सुविधा वहाँ देने की जरूरत है, उसके लिए भी ज्यादा निधि, ज्यादा फंड्स मैं आपको दे दूंगा। अभी मुमरा और कड़वा ये सब एरिया बढ़ रहा है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, रहते हैं, तो ये जो कब्रिस्तान है अपने यहाँ के वो बहुत कम गिर रहे हैं, इसलिए आगे हम मुमरा के लिए 2 नए कब्रिस्तान हम आपको दे देंगे, आप उसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत करना।
लेकिन मैंने जो सब बताया ना, ये सब आपको अगर चाहिए तो इस दफा पहले आप हमेशा जो विधायक को जिता के देते थे उनको 15 साल का मौका आपने दिया। मेरी आपको विनती है, मेरी बहना है, मेरे भाई है, मेरे युवा युवती है, सबको विनती है। हमने लाडकी बहना ये एक नया योजना है लाई, हमने गरीब हमारे लड़कियां है गरीब घर की, उनको 100% पढ़ाई के लिए कॉलेज के लिए हम उनका पूरी जिम्मेवारी हमारा गवर्नमेंट ले रहा है, जो भी गरीबों को लिए कर जो करना चाहिए, और ये करते वक्त सभी कास्ट के महिलाओं के लिए किया है, हमने वहाँ कुछ 19-20 नहीं किया। इसीलिए मेरी विनती है ये सब मैं करके दिखाऊंगा, मैं जैसा बोल देता हूँ वैसा करके दिखाता हूँ। मेरी इतना ही कहना है, 15 साल के लिए आपने यहाँ एक को मौका दिया, उन्होंने क्या क्या किया, टोरंट के बारे में क्या हुआ आपने सुना अभी, और हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ राव शिंदे जी ने और श्रीकांत शिंदे सब ने मिलके 3 महीने में 200 करोड़ रुपए दिया। मैं आपको वादा करता हूं, मैं और हमारा गवर्नमेंट या 5 साल के लिए आप नजीब को जिता के दे दो, उसको मौका दे दो। पहले वाले विधायक का 15 साल का काम और हमारे नजीब का 5 साल का काम, मैं उसके लिए कम से कम 3,000 करोड़ रुपए दूंगा, उससे आप यहाँ का डेवलपमेंट कर दो। ये मेरी आप सबको विनती है, आप किसी को डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके पीछे, हम सब आपको साथ देंगे। और मेरा इतना ही जाते वक्त कहना है, 20 तारीख को वोट देकर हम सब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 23 तारीख को विजय का जश्न हमारा होगा, हमारा नजीब यहाँ का विधायक बनेगा, यही मेरी विनती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परदेश जाने के लिए मदद करते हैं आप, शेड्यूल ट्राइब के लिए मदद करते हैं, ओबीसी के लिए मदद करते हैं आप, ओपन कैटेगरी के लिए मदद करते हैं आप, सभी को मदद करते हैं, लेकिन हमारी माइनॉरिटी के लिए हम मदद आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं की। यह सुनने के बाद मैंने अपने माइनॉरिटी के बच्चों को, गरीब माइनॉरिटी के बच्चों को फॉरेन जाने के लिए उनकी ज़्यादा उन्होंने स्टडी करनी चाहिए, अच्छे तरह से उन्होंने आगे जाना चाहिए। इसीलिए हर बच्चे के पीछे हर साल 40 लाख रुपया उसको परदेश जाने के लिए हमने 600 रुपये दिए है। इसके लिए इस साल मैंने 10,80,00,000 रुपये इतना निधि मैंने बजट में तरतूत किया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ, और भी बच्चे जाना चाहते तो ये हम और भी जो अर्थसंकल्प संतुल है वो और भी बढ़ाने का हमारा इरादा है। मेरा इतना ही कहना है कि सभी बच्चों ने पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, गरीब बच्चों को मदद होनी चाहिए, और ऐसा काम हम सब कर रहे हैं। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के लिए मैंने 5,180 करोड़ का रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे अल्पसंख्यक के विकास संबंध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अनुदान, पहले वो अनुदान 2 लाख रुपए था, वो हमने बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया गया है। इसके ये दिसंबर 23 में सरकारी निर्णय जारी किया गया है। महिला आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से 15 जिलों में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 2,800 नए बचत समूह के गठन का निर्णय हमने लिया है। इन बचत समूह के जरिए महिलाओं को उद्यमिता और व्यवसायिकता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला बचत समूह के लिए कर्ज पर लगाई गई कठोर शर्तें हटा दी गई है, अब कर्ज के लिए बचत समूह को कोई जमानत नहीं देनी होगी। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत से समूह का पंजीकरण जरूर नहीं है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में
मदरसाओं को निर्बंध बिजली आपूर्ति और ऊर्जा माध्यम से बिजली व्यवस्था और बिजली माफी की योजना लागू की जा रही है। मैंने उसमें पहले प्रारंभिक परीक्षण के लिए अपना नासिक में जो मालेगांव है, नासिक में